यार छोड़ो ऐसे विधानसभा से क्या सवाल, सर मैं इसलिए कह रहा हूँ छोड़ो भाई ऐसे सवाल, ऐसे सवाल नहीं होते। कांग्रेस हो गई बात, आपने पूछ लिया ना। अशोक गहलोत ये कहते हैं कि भाजपा कभी भी विकास पे बात नहीं करती और भाजपा विकास के अलावा बाकी सब चीजों पे बात करती है, तो राजस्थान में भाजपा का मैं उनको पूछ रहा हूँ कि विकास के लिए उनकी जब केंद्र में सरकार थी कितना रुपया दिया गया, नहीं कहते, वो जवाब ही नहीं देते। सर 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 देखिए ये इनका भ्रष्टाचार को शील्ड करने का एक जवाब है। इस देश में कोर्ट है या नहीं है भाई? अगर गैरकानूनी तरीके से हुआ है तो तुरंत कोर्ट में चला जाना चाहिए। सर कल मोदी का रोड शो था, उसके बाद एक रिएक्शन आया आदर्श नगर विधानसभा से, वहां उम्रदराज चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। छोड़ो ऐसे विधानसभा से क्या सवाल, सर मैं इसलिए कह रहा हूँ छोड़ो भाई ऐसे सवाल नहीं होते यार। जी कांग्रेस हो गई बात, आपने पूछ लिया ना। सर मुख्यमंत्री क्या माइनॉरिटी रिजर्वेशन सर, माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन? देखिए धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, वो हो ही नहीं सकता, और अगर कोई करने का प्रयास करता है भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी, और गहलोत साहब को तो करना ही नहीं है क्योंकि वो जीत कर ही नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी लगातार 6 महीने से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, बीजेपी का क्या कहना है? देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है। मैं राहुल गांधी जी को 3 ही सवाल पूछना चाहता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने दबाकर रखा था? मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हो रही थी किस पार्टी ने विरोध किया था? विपक्ष के नेता राजीव गांधी थे, उन्हीं ने विरोध किया था, और आज तक 70 साल में कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दी गई है। राहुल गांधी जी को कुछ एनजीओ एक आध दो चीजें पकड़ा देते हैं तो नया कागज नहीं आता है, तब तक वो ही बोलते रहते हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।